हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो साड़ी ड्रॉपिंग आप देख रहे हो, ये है शॉर्ट नवारी टाइट कस्ता साड़ी ड्रॉपिंग, जिसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी। आप इसका बैक और फ्रंट दोनों साइड से इसका लुक दे सकते हो। मैं यहाँ पे लेगी वेयर करी हूँ, आप चाहो तो उसको विदाउट लेगी से वेयर कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट नवारी कस्ता साड़ी ड्रॉपिंग है, इसलिए मैंने उसको लेगी के साथ ही वेयर किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साड़ी ले लेना है, और शॉर्ट और टाइट नवारी कस्ता साड़ी के लिए आपको कॉटन का साड़ी ही लेना है, नहीं तो वो थोड़ा सा लूज हो सकता है। इसके बाद हम साड़ी को ओपन करके हमें उसको साड़ी को जैसे हम राइट हैंड साइड से उसको टकिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप भी चाहते हो मैं आपके रिक्वेस्ट पे वीडियो लेके आऊँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, यहाँ पे यूजर आईडी आपको दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाओ मुझे फॉलो करो, और मुझे जो भी आपको जानना है या समझना है या सीखना है मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ, एक पूरा राउंड घुमा चुकी हूँ साड़ी को, और आपको थोड़ा सा टाइटली उसको करना है, क्योंकि ये टाइट शॉर्ट नवारी कस्ता साड़ी है। तो आप देख सकते हो मैं उसको घुमा चुकी हूँ। इसके बाद उसको क्या करना है, यहाँ पे हमें टकिंग करने के बाद मैं यहाँ पे लेगी के साथ करी हूँ, क्योंकि मेरा लेगी थोड़ा सा टाइट है। अगर आप पेटीकोट वेयर नहीं करे हो और लेगी के साथ कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक धागा ले लेना है लेगी के ऊपर, जैसे मैं संबलपुरी साड़ी में दिखाती हूँ आपको, लेगी के ऊपर धागा बांध देती हूँ और धागा के साथ ही आपको साड़ी वेयर करना है। पर लेगी मेरा थोड़ा सा टाइट है, इसलिए मैं इसके साथ ही उसको वेयर करी हूँ। इसके बाद देख सकते हो मैं उसको लेफ्ट साइड के कंधे पे डाल चुकी हूँ, जहाँ तक मुझे रखना है मैं यहाँ पे नाप के देख रही हूँ, आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे छोटे छोटे करके प्लेट्स डालूंगी, जैसे हम आज यूजर डालते हैं। प्लेट्स डालने के बाद मैं उसको अच्छे तरीके से सेट कर चुकी हूँ, और कंधे पे एक पीट डाल के उसको सेट कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो नीचे पार्ट बच गया है उसको हमें छोटी छोटी करके प्लेट्स डालना है। आप चाहो तो पतले पतले डाल सकते हो, आप चाहो तो उसका चौड़ा चौड़ा भी डाल सकते हो, आप जिसका आपको जो पसंद है आप कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ तक मुझे रखना है, आप चाहो तो लॉन्ग रखना तो आप लॉन्ग भी रख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट पे मैं हमेशा से ही वीडियो लेके आती हूँ, तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके बाद आपको क्या करना है, जो नीचे हम प्लेट्स डालते हैं आपको प्लेट्स डाल देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं नीट एंड क्लीन प्लेट्स नहीं डाली हूँ, क्योंकि इसके बाद हम उसको पीछे के तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे नीट एंड क्लीन प्लेट्स डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ तक कंप्लीट बिल्कुल कर चुकी हूँ। और प्लेट्स डालने के बाद हमें क्या करना है, दोनों पैर को ओपन करके रखना है और साड़ी को बिल्कुल बीच में से ऊपर की तरफ उठाना है, पीछे के साइड पर, और आपको जहाँ तक शॉर्ट इसका रखना है आप वहाँ तक रख सकते हो। मैं यहाँ पे लेगी, जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं यहाँ पे लेगी के साथ आपको दिखा रही हूँ, आप विदाउट लेगी के साथ भी उसको वेयर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं नी से थोड़ा सा ऊपर उसको रखी हूँ शॉर्ट, और थोड़ा सा टाइटली उसको पकड़ी हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट और टाइट नवारी कस्ता साड़ी है, जैसे कि आप सबने कॉमेंट किया था मुझे करने के लिए। तो आप देख सकते हो अपने हाथों से आपको इसको टाइट करना है, नहीं तो ये टाइट नहीं रहेगा। और हाँ, आपको ध्यान में रखना है आपको कॉटन साड़ी ही लेना है। इसके बाद मैं उसको पीछे उसके बॉर्डर के साथ उसको टकिंग कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा पल्लू डाला है वो थोड़ा सा, जैसे कि हमने साड़ी को ऊपर उठाया तो ये थोड़ा सा लूज हो गया है,
तो उसको फिर से हमें ओपन करके उसको टाइटली पीछे की तरफ खींचना है, जहाँ तक आपको जितना टाइट रखना है। और खींचने के बाद उसको फिर से हम पिनअप कर देना है। पिनअप करने के बाद आपको क्या करना है, पीछे के साइड से साड़ी को घुमा के लेके आना है और सामने उसको कमर के लेफ्ट साइड में, ऑपोजिट साइड में उसको पिन डाल देना है। तो यह इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं हमेशा से ही आप सबके रिक्वेस्ट पे वीडियो लेके आती हूँ। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में देखना है वो भी बता देना। तो मैं तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय।